In a landmark development poised to reshape the political landscape of Tripura, the Government of India, the Government of Tripura and the Indigenous Progressive Regional Alliance have come together to ink a significant agreement. This pact marks a pivotal moment in the quest for a constitutional solution to the long-standing demands of the indigenous communities of Tripura. Let's listen in to what Union Home Minister Amit Shah has to say. आज इस समझौते से हमने इतिहास का सम्मान किया है, गलतियों को सुधारा है और आज की वास्तविकता को भी स्वीकार कर तीनों चीजों का सामंजस्य कर हमने भविष्य की ओर देखने का काम किया है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी जो विकसित भारत का स्वप्न लेकर चले हैं, वो स्वप्न में त्रिपुरा भी अपने योगदान के लिए भी कटिबद्ध होगा और अपने हिस्से के लिए भी कटिबद्ध होगा। जब विकसित भारत बनेगा उस वक्त त्रिपुरा भी विकसित त्रिपुरा के रूप में आगे पर सपनों के साथ आगे बढ़ेगा। मनोहर केसरी जॉइनिंग अस फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी। मनोहर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस अग्रीमेंट दैट हैज बीन साइंड? आज लगातार अगर आप देखेंगे तो इसका वहाँ के एक लोकल संगठन है, खास करके शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के, और उनकी एक छोटी पॉलिटिकल पार्टी है। तो आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में और चीफ मिनिस्टर मानिक शाह के साथ और जो इपरा के मेंबर्स हैं उनके साथ बैठक हुई है, एक हस्ताक्षर साइन हुआ है। इसका मकसद साफ है कि त्रिपुरा में जो भी वहां पर शेड्यूल ट्राइब्स के इश्यूज हैं उनको मिलकर के हल किया जाए। अगर इसका पॉलिटिकल देखें तो जिस प्रकार से अमित शाह ने भी कहा है कि पीएम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो त्रिपुरा भी एक पार्ट है, उनका भी योगदान है। तो जब लोकसभा चुनाव आएंगे, हालांकि वहां पर दो सीट बीजेपी की ऑलरेडी है और दो सीट फिर से बीजेपी रिटेन करना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो उस वक्त जो इपरा की पॉलिटिकल पार्टी है टिपरा, उसने 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो ऐसी स्थिति में लोकल इश्यूज को मिलकर के हल किया जाए और सबका साथ सबका विकास हो, इस मद्देनजर आज एक समझौता हुआ है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.